बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 6 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.4। 6 का बी पार्ट में काफ़ी लंबा सारा उसने हमें दे दिया ये स्टेटमेंट। वो कहते हैं कोर्स इन मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स का कोर्स है। इट चार्ट टू 12 स्टूडेंट बाय द कन्वेंशनल क्लास रूम मेथड। देखिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, आप यही कहेंगे स्टेटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा जो है टॉपिक स्टेटिस्टिक है। मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 स्टूडेंट को दिया गया बाय द कन्वेंशनल क्लासरूम, और एक दूसरा ग्रुप है 10 स्टूडेंट वाज गिवन द सेम कोर्स बाय मींस ऑफ प्रोग्राम्ड मटेरियल। प्रोग्राम्ड मटेरियल एंड क्लासरूम डाटा जो है क्लासरूम आर WM रूम एंड प्रोग्राम्ड मटेरियल। देखें बच्चों, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन के जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स के, उन्हें कन्वेंशनल क्लासरूम के ज़रिए काफ़ी सारा पढ़ाया गया है। वो हैं 12 बच्चे, और दूसरा एंड टू सैंपल लेंगे वो है हमारे पास एक सेकंड ग्रुप है, उसमें 10 स्टूडेंट हैं। वाज गिवन द सेम कोर्स, वही कोर्स जो क्लासरूम वालों को पढ़ाया गया वही इन्हें पढ़ाया गया, लेकिन इन्हें प्रोग्राम्ड मटेरियल, आप कह लें कि इन्हें जो प्रैक्टिकली मटेरियल था उसको शामिल करके इन्हें पढ़ाया गया है। सारा कुछ इन बच्चों को दिया गया। एट द एंड ऑफ द कोर्स द सेम एग्जामिनेशन वाज गिवन, और पढ़ाने के बाद इन्हें इनका एग्ज़ाम भी होगा। आप पढ़ रहे हैं, आपका भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इनका एग्ज़ाम लिया गया है, और द 12 स्टूडेंट मीटिंग इन द क्लासरूम मेक एन एवरेज जो बनाइए, यहाँ एक ही एवरेज यूज होती है, वो है एक्स बार एंड एक्स टू बार हमारे पास है। फिर साथ ही वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे देता है, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हमारे पास 4। और इसी तरह कहते हैं दूसरा ग्रुप का जो 10 स्टूडेंट्स का था वो ये हमारे पास, उसने जो एवरेज बनाई है वो है 81 एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 5। फिर नेक्स्ट वो हमें कह देता है, ये अपने स्केल से बना लेना है डिब्बा कुछ इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसको कैलकुलेट करने से पहले आप स्टैंडर्ड पूल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें। पूल स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कैलकुलेट करना है, टी टेस्ट क्यों अप्लाई करना है, मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल इन द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स, पॉपुलेशन मीन की डिस्ट्रीब्यू आपने बनानी है इंटरवल। अज्यूमिंग द पॉपुलेशन टू बी नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल वेरियंस, मैं पहले बता चुका हूँ जब भी इक्वल वेरियंस का कहे या कहे इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है। इसी मकसद के लिए मैं पूल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्मॉल एस पी इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला जो यूज़ होगा कौन सा होगा 100 पेज पे आपने देख लेना आपकी स्टेटिस्टिक्स की बुक पर, 3 फार्मूलाज हैं। वो क्वेश्चन की सीरीज को समझते हुए आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है, वन हेड स्केयर प्लस एन टू माइनस वन एस टू हेड स्केयर डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ये किस तरह से है मैं इसके बारे में कम्प्लीटली आपको 5 के बी पार्ट में बता चुका हूँ, इसी एक्सरसाइज को 5 का बी पार्ट। अगर आपने नहीं देखा अभी तक कम्प्लीट रिक्वेस्ट है उसे लाजमी देख लें। 12 में से 1 माइनस करेंगे और एस वन हेड स्केयर 4 का स्केयर लेंगे प्लस एन टू से 1 माइनस करेंगे, 10 से माइनस 1 करेंगे और लेंगे 5 का स्केयर डिवाइड बाय एन वन, 12 प्लस 10 माइनस 2, ये कुछ इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, आपने कैलकुलेटर पर 11 ही लिख लेना है, ये कुछ इस तरह से आपने लिखना है 11 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्केयर, ये तो आपको पता होगा 4 का स्केयर 16 होता है, बजाय इसके 4 स्केल डालें, ये 4 स्केल भी आप डाल सकते हैं, और 16 भी
प्लस ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, या 5 स्क्वायर भी आप डाल सकते हैं। अच्छा इक्वल टू प्रेस करना है, फिर आपने इसे डिवाइड करना है 12 प्लस 10 माइनस 2। इसे आप पहले कैलकुलेट कर लें न्यू को, जो कि n1 प्लस n2 माइनस 2 होता है। 12 प्लस 10 माइनस 2 ये आ जाएगा आपके पास 20। 20 पे डिवाइड करना है, 20 पे डिवाइड करते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं, यहाँ बटन ये वाला प्रेस करता हूँ, यह आएगा 4.478। मैंने 3 डिजिट तक फिक्स कर रखा है, अगर आपने भी रखा है 3 डिजिट तक को तो ठीक है, अगर नहीं रखा हुआ तो आपने क्या करना है 12.2 एक्सरसाइज का थर्ड का ये पार्ट देख लेना है, इसमें बड़ी अच्छी तरह से फिक्स करना बता रखा है। ये तो हो गया हमारे पास SP फाइंड हो गया, ठीक है। 3 स्टेप्स में फाइंड करना है, एक फार्मूला लिखना है, दूसरी वैल्यू दूसरे में पुट करनी, तीसरे में आंसर लिख देना है हम लोगों ने कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने लिखना कॉन्फिडेंस इंटरवल, इंटरवल 1 - α इज इक्वल टू 90%, 1 में से 0.9 माइनस कर दें, अल्फा आ जाएगा आपके पास 0.1, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपके पास 0.05। 1 में से माइनस करेंगे अल्फा को 2 को, इसको भी 1 में से माइनस कर दें आपके पास आ जाएगा 0.95। अब आपने क्या करना है, टी टेबल देखना है, टी स्टैटिस्टिक का, उसमें देखना है आपने, आपको कॉलम मिलेगा ये कुछ इस तरह से, मैं लिख लेता हूँ पहले टी न्यू इंटू 1 - α/2 इज इक्वल टू टी न्यू। न्यू हमारे पास वैल्यू आई थी 20, सेमीकोलन 1 - α/2 का आंसर 0.95 आया। अब आपने क्या देखना है कि 20 की रो में देखना है इस तरह से, ऊपर से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी 0.950, 0 को आपको कंसीडर नहीं करना, आपने 95 तक ही रखना है काम, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। अब आपने देख लेनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी, ये मेरे पास आ रही है 1.725, आपके पास भी यही आ रही होगी यकीनन, नहीं आ रही तो दोबारा से देख लें वैल्यू होगी टी स्टैटिस्टिक की, यहाँ लिख भी देंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक की टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब हमने इंटरवल फाइंड करनी है, x1 - x2 इंटू प्लस माइनस टी टेस्ट स्टैटिस्टिक इंटू पूल स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। जो छोटी वैल्यू आएगी वो इधर लिख देनी है और जो बड़ी आएगी वो दूसरी तरफ लिख देनी है। अब इस क्वेश्चन में उसने मेंशन किया μ1 पहले रखना है या μ2, आपने ट्रू डिफरेंस वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ट्रू डिफरेंस वाला। अभी तक अगर आपको ये नहीं पता ट्रू डिफरेंस होता क्या है, आपने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट का बी पार्ट देख लेना है, उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बता रखा है। अब वैल्यूज पहले तो इस फार्मूला में पुट करनी है, ठीक है, पुट कर लेता हूँ ये नेक्स्ट पेज पर आकर जी, मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ पर अपने वैल्यूज पुट कर लेनी है इसी फार्मूला में। हमारे पास जो x1 आया था वो था 85 - 81 प्लस माइनस जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की आई थी हमारे पास वैल्यू 1.725 मल्टीप्लाई बाय स्पूल स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमारे पास है 4.478 इंटू 1 ओवर n1। हमारे पास है n1 12 प्लस 1 ओवर 10, ये करेंगे आपके पास जो लेस वैल्यू आएगी वो दूसरी तरफ लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखनी है, और जो ग्रेटर आएगी वो राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। तो 85 - 81 - 1.725 मल्टीप्लाई बाय 4.478
इंटू आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी वन ओवर एन वन टेन सॉरी 12 प्लस वन ओवर एन टू जो कि हमारे पास आ रहा है 10 इक्वल टू ये एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.69। इसके अलावा आपको मेरी वीडियो तो कैसी लग रही हैं आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, या एंड पर ले आएंगे या मेरे पास 7.307। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 12.3 के बाद करेंगे 12.5। इसी के साथ अपने होस्ट वैसा ही को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।